अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो कुकिंग विद फैसल। लेकिन हिकु डिफरेंट अंदाज़ में हिकु नए प्रोजेक्ट सां गॾु जेको मां स्टार्ट कयो आहे ॿाहिरि आउटडोर जेको तव्हां ॾिसो पिया। अॼु मां किथे मौजूदु आहियां सिंधू दरिया जे हुन किनारे ते, जिते माण्हू तमामु घणो परे खां ईंदा आहिनि। हीअ जेको पॉइंट आहे अल मंज़र, हिते आहे रेस्टोरेंट आहे, हीअ सिंधू दरिया आहे ऐं हिते तमामु सुठी रेसिपीज़ जेके मच्छी जूं तव्हांखे ठाहे सघंदासीं। हिते कीअं ठहंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ॾिसजो की हीउ प्रोग्राम केॾो ज़बरदस्तु आहे ऐं हिनखे लाइक कजो, हिन जा कमेंट्स बि ॾिजो। त अॼु जेको मां रेसिपी ठाहींदमि, हिते जी फेमस रेसिपी आहे पलो मच्छी, उहो कीअं ठहंदी आहे तव्हांखे ठाहे सेखारींदासीं। अॼु की जो रेसिपी बनाएंगे हम बिल्कुलु डिफरेंट आहे। हीअ पे सिंधू दरिया आहे जाम शोरू ब्रिज के पास, आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ की तमाम ज़बरदस्त फेमस जो फिश है पल्ला मच्छी हम जो खाते हैं वो यहाँ पे अल मंज़र रेस्टोरेंट है। दूर दूर से लोग आते हैं, तो आज हम भी आए स्टूडियो से निकल के भी कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए डिफरेंट प्रोग्राम करूँ जो बिल्कुल एक डिफरेंट से हों। इसके फीडबैक दीजिएगा आप लोग कैसे लगते हैं। और अभी मैं दरिया पर मौजूद हूँ, कश्ती में बैठ के जाएंगे और यहाँ से फिशिंग भी करूँगा। फिशिंग करने के बाद उसी फिश को मैं आपको बनाना सिखाऊँगा कि किस तरह बनाते हैं। तव्हां ॾिसो पिया मां ॿेड़ी में आहियां ऐं हिते कीअं मच्छी पकड़बी आहे, उहो कीअं कंडो विझबो आहे या ॼार विझबो आहे, सॼो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं हीअ सिंधू दरिया तव्हां ॾिसो पियो आहे, तमामु बहितरीन लोकेशन आहे, मौसम बि तमामु बहितरीन आहे, त ज़बरदस्तु मौसम आहे। त हींअर थोरो सैर बि कंदासीं, पाणी में वेंदासीं ऐं हुनखे ॾिसूं था की हिते फिशिंग कीअं कंदासीं। ठीकु आहे, आप देख रहे हैं की मैं दरिया के किनारे से, पहले तो दरिया किनारे पे था, अब मैं कश्ती में हूँ और हम जाएंगे बीच दरिया में। और यहाँ पे फिशिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊँगा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का मौसम है और बिल्कुल लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आए इंजॉय करें, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ की रेसिपीज़ हैं, खासकर जो पल्ला मच्छी होती है यहाँ की फेमस है सिंधू दरिया की, जाम शोरो अल मंज़र पे। तो ये आप लोग देखिएगा कि किस तरह और फिशिंग किस तरह होती है, ये भी आप लोग को दिखाएंगे। ऐं तव्हां खां मां ॾिसो पिया मां कश्ती में आहियां ऐं अहसान आहिनि असां सां गॾु जेको ॿेड़ी हलाइनि पिया। हिननि खां पुछंदासीं की मच्छी कीअं छलबी आहे ऐं केतिरे पाणी में वञी छलबी आहे ऐं कहिड़े तरीक़े जी हिते मच्छियूं आहिनि। अहसान तव्हां ॿुधाईंदो की पाणी जॾहिं चढ़ंदो आहे तॾहिं मच्छी वधीक ईंदी आहे पलो मच्छी या हूंदी आहे हिन दरिया में? सर जॾहिं पाणी चढ़ंदो आहे न, जॾहिं पाणी चढ़ंदो आहे तॾहिं ईंदो आहे पलो मच्छी ईंदो आहे, बाक़ी पाणी न हूंदो आहे त पोइ बि लॻंदी आहे पई, पर हल्की फुल्की लॻंदी आहे पई। असां बंदि, हे जेको असां बंदि जे पासे वञूं पिया, हिन पासे पाणी जो मां ॾिसां पियो तमामु घणो प्रेशर आहे। हिन पासे वेंदा आहिनि माण्हू त मच्छी हिन पासे वधीक हूंदी आहे। मां त हीउ ॿुधियो आहे की समुंड जे तरफ़ खां मच्छी ईंदी आहे, जेको उबतो हलंदी आहे। सर जॾहिं पाणी हेठि वेंदो आहे समुंड ते न, समुंड ते पाणी वेंदो आहे ॿीं चढ़ंदी आहे मच्छी, पोइ हिते मथे जी चढ़ी ते माना पाणीअ जे दरवाज़नि जे अॻियां बीहंदी आहे, पोइ हुते माण्हू मारींदा आहिनि ऐं मजबूरी में वेंदा आहिनि, आहे तिख पर पोइ ॿेड़ियुनि खे ॿधी करे मच्छी माना मारणु वेंदा आहिनि। इन करे वेंदा आहिनि जो तिख आहे न, तिख ते बीहारे ॿेड़ियूं, पोइ मच्छी माना रछ ॼारायो हुन ते मारींदा कंदा आहिनि। हिते वञणु सही आहे? वञणु सही कोन्हे को, बाक़ी आहे मजबूरी, मजबूरी में हर को रोज़ी आहे की रोज़ी कंदा मिली पंहिंजी। ठीकु आहे, ऐं मच्छी कहिड़ी कहिड़ी हिते जी वधीक मशहूरु आहे? पलो मच्छी हिते जी मशहूरु आहे जेको ॿुधाइनि पिया। अछा, घणे अरसे खां तव्हां हिते ॿेड़ी हलायो? मूंखे 7-8 साल थी विया आहिनि। असांजो आहे कारोबारी जो मच्छी जो माण्हू घुमाइण जो, माण्हू घुमाईंदा आहियूं भई पलो मच्छी मारींदा आहियूं, पर उहो जॾहिं हूंदो आहे वधीक त पोइ भई हींअर त कोन्हे को पलो मच्छी एतिरो। अछा, पलो मच्छी हाली एॾो कोन्हे? अच्छा, कहिड़े सीज़न में घणो हूंदो आहे? जून जुलाई अगस्त में जॾहिं दरिया में पाणी फुल थींदो आहे सफ़ा, पोइ पलो जाम। हींअर पलो मच्छी आहे आहे पर एतिरो कोन्हे को जेतिरो हूंदो आहे, पाणी हूंदो आहे पाणी न हूंदो आहे पले मच्छी जो। ठीकु आहे, आप देख रहे हैं कि मैंने इनसे बात की, यहाँ पे कश्ती चलाते हैं और इनसे मैंने पूछा कि पल्ला मच्छी यहाँ की फेमस है जो पूरे वर्ल्ड में इनका पल्ला मच्छी का नाम है। तो वो यहाँ पे कहते हैं जब दरिया बिल्कुल चढ़ जाता है, बिल्कुल पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा जब पानी का प्रेशर होता है, तो उस वक्त वो पल्ला मच्छी आती है, क्योंकि जब पानी दरिया से समंदर में गिर रहा होता है तो उसके प्रेशर से वो मछली उल्टी आती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और पल्ला मच्छी जो है मछली का लाइक जैसे कहते हैं कि बादशाह होता है। तो यहाँ पे फिशिंग करेंगे और उसके बाद हम जाके फिश बनाएंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे बनती है फिश। अच्छा, मच्छी जेका हिते जी वधीक कहिड़ी खाइबी आहे, माण्हू कहिड़ी डिमांड कंदा आहिनि? हिते गेस्ट ईंदा आहिनि परे परे खां माण्हू ईंदा आहिनि खाइण जे लाइ, त पले जे अलावा, पलो त तव्हां चाहींदा आहियो कि जून जुलाई अगस्त में मिले, त हुनजे अलावा ॿी कहिड़ी में ख़ासि मच्छी आहे जेका वधीक डिमांड थींदी आहे, जेका वधीक ठहंदी आहे? उहो पलो त जून जुलाई में ईंदो आहे, बाक़ी मच्छी जेका कुरड़ो मोराखी उहो ईंदो आहे, डंबरो जंहिंखे डंबरो चवंदा आहिनि, कुरड़ो मोराखी डंबरो, इहे टे मच्छियूं वधीक हलंदियूं।
डंबरो भी चइबो आहे। ठीकु आहे, इहा वधीक हिते हलंदी आहे। पोइ इहा अलमंज़र ते जेको ठाहींदा इहे वधीक ठाहींदा। पलो घटि हूंदो आहे, सीज़न में हूंदो आहे। ठीकु आहे, हे तव्हां ॾिसो पिया हिते पाणी हींअर केतिरो चढ़ियल आहे ऐं ब्रिज ते गाॾियूं बि हलनि पियूं। काफ़ी हिन पासे बि फैमिलीज़ आयल आहिनि, इंजॉय कनि पिया। काफ़ी माण्हू पाणी में विंझन बि पिया, इंजॉय फैमिलीज़ ईंदियूं आहिनि हिते। तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं असां बि आया इंजॉय कयूं पिया। त तव्हां ज़रूरु अचिजो हिते, हिन एरिया खे ॾिसिजो, हिते जी मछी खाइजो। ऐं मां बि तव्हांखे ठाहे सघंदमि की हिते जी मछी, छाकाणि त किचन में त मां हमेशह तव्हां सां गॾु हूंदो आहियां 7 सालनि खां कयां पियो। लेकिन हाणे असां जेको डायरेक्टर ख़ालिद भाउ, हुननि चयो कुझु आउटडोर कयूं, कुझु चेंज कयूं, तव्हांजे लाइ चेंज प्रोग्राम खणी अचूं। अॼु मां आहियां सिंधु दरिया ते, जाम शोरे जो फेमस प्लेस, जेको हिते माण्हू परे परे खां ईंदा आहिनि हिते मछी खाइणु, हिते इंजॉय करणु। हिते जो अल मंज़र रेस्टोरेंट आहे, तमामु ज़बरदस्त हिते मछी मिलंदी आहे। ऐं मां अॼु उहो तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदमि। ऐं पैसिफिक कुकिंग ऑयल विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, पंहिंजनि जो प्यार। पैसिफिक कुकिंग ऑयल हमेशह असां सां गॾु हूंदो आहे। त असां सोचियो की पैसिफिक कुकिंग ऑयल खे डिफरेंट एरियाज़ में खणी वञूं ऐं हुते जी रेसिपीज़ हुन कुकिंग ऑयल सां गॾु ठाहियूं। ऐं जो बनस्पति घी बि तमामु बहितरीन आहे। अगरि तव्हां हिते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल, तव्हां ॾिसो पिया कुकिंग शो कुकिंग विद फैसल। लेकिन हिकु डिफरेंट अंदाज़ में, हिकु नए प्रोजेक्ट सां गॾु जेको मां स्टार्ट कयो आहे, ॿाहिरि आउटडोर जेको तव्हां ॾिसो पिया। अॼु मां किथे मौजूदु आहियां, सिंधु दरिया जे हुन किनारे ते, जिते माण्हू तमामु घणो परे खां ईंदा आहिनि। हीअ जेको पॉइंट आहे अल मंज़र, हिते आहे रेस्टोरेंट आहे। हीअ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल, तव्हां ॾिसो पिया कुकिंग शो कुकिंग विद फैसल। लेकिन हिकु डिफरेंट अंदाज़ में, हिकु नए प्रोजेक्ट सां गॾु जेको मां स्टार्ट कयो आहे, ॿाहिरि आउटडोर जेको तव्हां ॾिसो पिया। अॼु मां किथे मौजूदु आहियां, सिंधु दरिया जे हुन किनारे ते, जिते माण्हू तमामु घणो परे खां ईंदा आहिनि। हीअ जेको पॉइंट आहे अल मंज़र, हिते आहे रेस्टोरेंट आहे। हीअ सिंधु दरिया आहे ऐं हिते तमामु सुठी रेसिपीज़ जेके मछी जो तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदासीं, हिते कीअं ठहंदियूं आहिनि। ऐं इहो तव्हां ॾिसिजो की हीउ प्रोग्राम केॾो ज़बरदस्तु आहे। ऐं हिनखे लाइक कजो, हिन जा कमेंट्स बि ॾिजो। त अॼु जेको मां रेसिपी ठाहींदमि, हिते जी फेमस रेसिपी आहे पलो मछी, उहो कीअं ठहंदी आहे तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदासीं। अॼु की जो रेसिपी बनाएंगे हम, बिल्कुलु डिफरेंट आहे। इहे पे सिंधु दरिया आहे, जाम शोरो ब्रिज के पास आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ की तमाम ज़बरदस्त फेमस जो फिश है पल्ला मच्छी, हम जो खाते हैं वो यहाँ पे अल मंज़र रेस्टोरेंट है। दूर दूर से लोग आते हैं, तो आज हम भी आए, स्टूडियो से निकल के भी कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए डिफरेंट प्रोग्राम करूँ, जो बिल्कुल एक डिफरेंट से हों। इसके फीडबैक दीजिएगा आप लोग कैसे लगते हैं। और अभी मैं दरिया पर मौजूद हूँ, कश्ती में बैठ के जाएंगे और यहाँ से फिशिंग भी करूँगा। फिशिंग करने के बाद उसी फिश को मैं आपको बनाना सिखाऊँगा कि किस तरह बनाते हैं। तव्हां ॾिसो पिया मां ॿेड़ी में आहियां ऐं हिते कीअं मछी पकड़बी आहे, उहो कीअं कंडो विझबो आहे या ॼार विझबो आहे, सॼो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं सिंधु दरिया तव्हां ॾिसो पियो आहे, तमामु बहितरीन लोकेशन आहे, मौसम बि तमामु बहितरीन आहे, त ज़बरदस्त मौसम आहे। त हींअर थोरो सैर बि कंदासीं, पाणी में वेंदासीं ऐं हुनखे ॾिसूं था की हिते फिशिंग कीअं कंदासीं। ठीकु आहे, आप देख रहे हैं की मैं दरिया के किनारे से, पहले तो दरिया किनारे पर था, अब मैं कश्ती में हूँ और हम जाएंगे बीच दरिया में। और यहाँ पर फिशिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊँगा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का मौसम है और बिल्कुल लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आएँ, इंजॉय करें, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ की रेसिपीज़ हैं। खासकर जो पल्ला मच्छी होती है यहाँ की फेमस है सिंधु दरिया की, जाम शोरों अल मंज़र पे, तो ये आप लोग देखिएगा कि
वेलकम बैक नाज़िम। प्रीति उन्हनि खां पहिरीं तव्हांखे जेको मां सिंधु दरिया जी सैर कराई ऐं हुते मां पलो मछी जो तव्हांखे सॼी डिटेल ॿुधाई। हाणे मां कहिड़े जॻह ते मौजूदु आहियां जेको हिते जो फेमस प्लेस आहे, हिते फेमस रेस्टोरेंट आहे अल मंज़र। हिते जी मछी उहा कीअं ठहंदी उहा तव्हांखे ठाहे सघंदासीं। पहिले महीने जो आपको सैर कराई हम गए थे दरिया में, कश्ती में बैठा, वहाँ का पूरा आपको डिटेल बताई कि यहाँ पे किस तरह मछली पकड़ी जाती, कौन सी मछली फेमस है। और उसके बाद अब मैं उस पॉइंट पे मौजूद हो जाए जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं फिश खाने के लिए। अल मंज़र इस प्लेस का नाम है, यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, दरिया साथ बह रहा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की रेसिपी, यहाँ की फ़िश ट्राई करने के लिए। और आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और अब मैं किचन में यहाँ के जाऊँगा, जो यहाँ पे अंकल हैं वो यहाँ पे फ़िश किस तरह बनाते हैं, पूरी रेसिपी आप लोग नोट करते जाइएगा। हर चीज़ अपने साथ लिख के रखा करें, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं। बहुत दूर हम आते हैं आप लोग की वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स करने, तो ये खास जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं हमारे इंटीरियर की, तो ये ज़रूर आप लोग सर्च कीजिएगा, इसको पूरा लिखिएगा और पूरा डिटेल में इसके फिर आप लोग बना के मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐं ये जेका रेसिपी ठहंदी पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां अगरि ठाहींदा आहियूं असां हमेशह, ऐं ये जेका फिश बि ठहंदी पैसिफिक कुकिंग ऑयल में, ऐं पैसिफिक कुकिंग ऑयल वञण जी कोशिशि हूंदी आहे त हर जॻह हर शहर में वञूं हिन ऑयल खे पहुचायूं। हिन करे मां डिफरेंट इलाइक़नि में डिफरेंट प्लेसिस ते वञा पियो ऐं पैसिफिक खां गॾु इहे ठाहींदासीं खाधा। हाणे ॾिसूं त मच्छी कीअं ठहींदी, हलूं था किचन में। जी नाज़िन, हिते मच्छी जेको मां तव्हांखे ॿुधायो किचन में ईंदासीं, चाचा सां ॻाल्हाईंदासीं, इहे मच्छी ठाहींदा आहिनि ऐं कीअं तरीक़े सां कटिंग थींदी आहे, हिन में मसालो छा लॻंदो सॼो डिटेल में ॿुधाईंदासीं। पहिरीं पुछूं था मच्छी खे तव्हां पहिरीं छा कंदो, कटिंग कंदो, कटिंग करे उन खां पोइ जेको आहे सो लूणु लॻाईंदासीं, लूणु लॻाए उन खां पोइ धुलाई कंदासीं, धुलाई कराए पोइ तंहिंखां पोइ फ्राई कंदासीं। तव्हांजी कटिंग कयो, कटिंग ॾेखारियो कीअं थींदी आहे। पंहिंजी कटिंग ॾिसो ईअं कराइजो जॾहिं तव्हां ॿाहिरां बि वठो, ठीकु आहे। अगरि आप लोग हीअ फिश लेना चाहते हैं सिंधी स्टाइल में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कटिंग अपने शो में भी काफ़ी दफ़ा मैंने फिश बनाई है, मैंने आपको कहा है कि सिंधी स्टाइल में कटिंग किया करें। ये देखिए जिस तरह की कटिंग करें, बैक बोन होती है, पीछे से जो हड्डी होती है उसकी इसकी कटिंग होती है, पेट की तरफ से इसे नहीं काटा जाता, ठीक है। जितनी भी सिंधी स्टाइल में फिश बनती हैं इसी तरह बनती हैं। और इसमें क्या होता है कि पीसीस जो होते हैं पेट खां पोइ तव्हां वठींदा आहियूं, उहो वरी छा जो असां ठाहींदा आहियूं सॼी सॼी ठाहींदा आहियूं, जेका कोयले ते ठहंदी आहे। अच्छा, कोयले ते जेका ठहंदी आहे उहा सॼी हूंदी आहे, उहो पेट खां कटिंग थींदी आहे, ऐं जेको तए जे मथां फ्राई थींदी आहे उनजी पुठियां खां सिधी कटिंग, सिंधी कटिंग। अच्छा, सॼी बि हिते ई ठाहींदा आहियो, हुनजो जॾहिं ऑर्डर ईंदो आहे तॾहिं कीअं ठाहींदा आहियो? पोइ हिनखे असां हीअ जेके छिलका आहिनि से लाहींदा आहियूं साफ़ करे, तंहिंखां पोइ जेको आहे पेट खां हितां वढींदा आहियूं, पोइ हिनजो कंडो जेको आहे इहो कंडो जेको आहे असीं कढंदा आहियूं, कंडो कढी तंहिंखां पोइ हुनखे ठाहे तयारु करे पोइ धोई धमल साफ़ करे अंदरि ॾींदा आहियूं, अंदरि वरी कोयले ते जेको आहे कारीगर ठाहींदो आहे। सजी जेका ठहंदी आहे हुन जो जेको छिलको हूंदो आहे, इहे लाहिनि पिया, इहे मथां छिलका आहिनि, इहे सभु लहंदा आहिनि, लेकिन जॾहिं फ्राई कबी आहे त हुनजे फ्राई में छिलको न हलंदो आहे, छाकाणि त उहो सड़ी वेंदो आहे ऑयल में, ऐं अगरि उहो छिलको लाथो त उहो नरम थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। जो सजी बनती है यहाँ पे, सजी के लिए क्या होता है कि छिलके हटाए जाते, पूरी साफ़ कराई जाती है, और जब फ्राई की जाती है तो उसके छिलके नहीं हटाए जाते, क्योंकि छिलका अगर हट जाता है सॉफ्ट हो जाती है, टूटने का वो खतरा होता है, और वो छिलका वैसे भी जल जाता है। ये आप कटिंग देखें इस तरह की कटिंग होती है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ सिंधी स्टाइल की कटिंग। अच्छा, इनके कट करण का पोता लूण लगाए रखंदा आयो? जी, घणी देर लगाईंदा आयो लूण? देर सही 5 मिनट लगंदो लूण, 5 मिनट का पो धोई वरी लगाईंदा सी तए में। ठीक है, 5 मिनट इनके लूण लगबो, हन का पो तए जे मथा आई तो हन जो बिल्कुल डिफरेंट तो त छाए वडो थोड़ो प्लेटर ठयला आई वो ताके दिखांदा सी को ते के ठंदो पैसिफिक कुकिंग ऑयल से इनके फिश के स कंदा सी फ्राई। जी नाज़िन, तव्हां ॾिठो हिनखे लूणु कीअं लॻायो, लूणु लॻाइण खां पोइ हिनखे रखिबो आहे 5 मिंट कवर करे, ॿिन्हिनि पीसनि खे हिकु ॿिए जे मथां रखी कवर करे हिनखे रखिबो, जीअं साबित मच्छी हूंदी आहे हुन तरीक़े सां। 10 मिंट खां पोइ हिनखे वॉश कबो, 5 खां 10 मिंट में वॉश कबो, ठीकु आहे। नमक लॻाए उसको कवर कर दें, दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखे, ताकि उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसका जो गोश्त होता है उसमें जायका आ जाता है। उसके बाद इसको धो के और फिर जो मसाला लगे वो पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, उसकी चटनी जो बनेगी वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। जी नाज़िन, जेको हिन जो तरीक़ेकार कीअं आहे कि गैस ते न ठहंदी आहे, ऐं हीअ जेके काठियुनि जे मथां हीअ काठी ॾेखारिजो सलमान, काठियूं आहिनि, ठीकु आहे। हीअ काठी सुकल काठी खां हिनखे ॿारबो आहे, ऐं हिन जो फ्लेवर जेको ईंदो आहे ओरिजिनल, हिते जेको ट्रेडिशनल तरीक़ो आहे काठियुनि खां जीअं ॿारणी में गोठनि में ठहंदो आहे उन तरीक़े सां ई ठहंदो आहे, ठीकु आहे। लकड़ी पे इहे बनाया जाता है, यहाँ पे सूखी लकड़ी इस्तेमाल होती है, जैसे गाँव में देहातों में उस तरह ट्रेडिशनल, क्योंकि इसमें फ्लेवर जो आता है कढ़ाइयों में भी आता है, जैसे कोयला कढ़ाई होती है इस तरह इसका फ्लेवर आता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन्होंने लकड़ियाँ जलाई हैं, और लकड़ी जलाने के बाद इसको ये गर्म करेंगे, और ये बड़ा सा प्लेटर है, ये तवा नहीं है इनका, पूरा फिक्स हुआ हुआ है, लोहे की प्लेट है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा डीप बना हुआ है, इस पर ये पूरी फ्राई करते हैं, ठीक है। ये पूरी फ्राई होती है इसके ऊपर। चाचा, ये घणी देर में गर्म थींदो आहे? देर में 5 मिंट बि लॻी वेंदा आहिनि, हिन में 5-10 मिंट लॻंदा आहिनि, जेको त उहो माना बाहि ॿारे गरम करे गरम थी वेंदो आहे 5 मिंटनि में, वरी असां मच्छी धोई करे लॻाईंदा आहियूं, लॻाए करे पोइ जेको आहे गिहु लॻाईंदा, गिहु लॻाए वरी मच्छी लॻाईंदा आहियूं।
ठीक है, ये 5 से 10 मिनट में गर्म हो जाएगा। उसके बाद इस पे जो फिश नमक लगा के रखा था उसको वॉश करेंगे। मच्छी के धुआरूँ था मसालों के लगंदो वो हली किचन में वरी कुछ था। जी नाजिन होते तां डिठो के काठिन के बारे उनके गर्म कयो प्लेटर जैसे गर्म थे तो इतने मच्छी धोप जे पई वे प्लेटर में मच्छी के चंगी तरह धोईंदा जो रत सफा निकली वो उनका इनके छानी में शायद रखा या डायरेक्ट फ्राई कदा पूछू तुम जी बाबा धुलाई करे इनके हाँ जो धुलाई बुलाई करे साफ करे तेरे घी में लगाए तेल में लगाए फ्राई कर। अच्छा इनमें को मसालो ना लगे मसालो बाद में जैसे वरी फ्राई तई तैयार थी तो मसालो पे इमली लगे इमली का मसालो लगे। अच्छा ठीक है वो तरीको भी तक पूछू था इनके वॉश कर ठीक है इनके वॉश कंदी करायूँ पिया इसको वॉश कर रहे हैं आप देख रहे हैं तुम ऐसो पे पैसिफिक कुकिंग ऑयल सागर थेरेपी मच्छी जो वाइटमिन ए एंड डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल का कंदा कंट्रोल पांजन जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल में हाँ मच्छी ठंडी जितो तक खपे एतो यूज कर डीप फ्राई कर ऑयल में तमाम सुठी ही मच्छी ठंडी जी बिस्मिल्लाह करें हाँ ये मच्छी के अंदर फ्राई जो तरीकेकार तुम ऐसो पे कि ये किए फ्राई थे पे ठीक है ये आप देख रहे हैं पैसिफिक कुकिंग ऑयल डाला और इसमें फ्राई हो रही है ऑयल प्लेटर गर्म हुआ उसके बाद ऑयल डाला ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके बाद फिश को पहले उल्टा डालना है जो अंदर वाला साइड है वो पहले फ्राई होगा पहले अंदर वालों साइड फ्राई करना है सर पहले अंदर वाली साइड जो फ्राई करना है तेखा पो वरी छिलकियारी पो बे दफा सा ने कल्टी करना है जिसने हाँ तैयार थी या तेखा पो सा से गड़ी वरी मसाला लगेगा। अच्छा इनमें जो को मसालो ता लगाइंदो बाद में लगाइंदो इनजा कंडा भी में सड़ी वेंदा कंडो बिना में जो आज असा जादो ने के सेकिना आयो कड़क की वेंदिया उन कड़क में जो आज घणो सनु कंडो जो आज ने सड़ी वेंदा उन वो कंडो वो तो नड़ी सके ठीक है इनके पहले उबो फ्राई कबो वरी सीधो कबो जैसे बिन्हीं पासन का कलर अची वो तमाम सुठे कलर में फ्राई थी कटिंग जो मसालो लगन मसालो के मतलब लगन वो भी तक बुधाइंदी ठीक है इसके ऊपर मसाला क्या लगेगा वो आप देखेंगे पहले जो मछली को फ्राई कर रहे हैं पहले अंदर की साइड से फ्राई करेंगे देन उसको उल्टा करके फ्राई होती है ताकि इसके छिलके अच्छी तरह जल जाए दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाए 10-15 से 20 मिनट में फ्राई होगी गोल्डन कलर आ जाएगा तेज आंच पे फ्राई होती है ठीक है। उसके बाद इसको निकाल के और जो मसाला इसके अंदर डलेगा तो मसाला हम इसके अंदर डालेंगे वो बताएंगे। अच्छा एक शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थे शॉर्ट ब्रेक वो ब्रेक का पहुंची जैसे तीन मच्छी फ्राई थी ब्रेक का पहुंची जो मसालो इन मतलब जो गिदामड़ी जो पेस्ट लगन ब्रेक का पहुंचा बुधाई कि लगन मच्छी तैयार थी वही सफा कड़क थी वही बिल्कुल कड़क थी वने गोल्डन कलर अची वने उनका पुंज मथा गिदामड़ी विजबी पेस्ट विजबो घाटो पेस्ट है सफा या सर घाटो पेस्ट इनमें छा विदला इनमें सर ऐसा नमक थोड़ो जनायो टेस्ट लगा रे जे मैं जे मच्छी के लगायो तो थोड़ो घी मथा लगाना मसाला लगाना री तेखा पो इतरो जे ने टेस्ट तमाम बेहतरीन होंगी ठीक है। इनमें गिदामड़ी जो पेस्ट है थोड़ो लून हसबे जरूरत विधल है वो घाटो पेस्ट इनके मथा लगाई चाचो उनका पो मसालो लगन वरी गरम ऑयल लगन ठीक है। इमली का पल्प है गाढ़ा सा पेस्ट है इमली का ये इसके अंदर थोड़ा सा नमक फोर टेस्ट डाला और अब ये लगाएंगे कैसे वो देखते हैं जी चाचा इनके मथा हथ से दिसो निपोड़े चंगी तरह चंगो लगाए इन पिया वधिक ठीक है खट्टा होना चाहिए अच्छी तरह लगा रहे हैं बहुत ज्यादा ये लगा रहे हैं इसके ऊपर पूरा आप देख रहे होंगे इसका लुक कैसा आ रहा है और इस तरह इमली इसके ऊपर पूरा पल्प गाढ़ा जिसमें नमक मिला हुआ है ये गाढ़ा सा पल्प डाला जाता है सही आने लगे जो मसाला ठहला सा है इनमें सही जीरो है नरफोटान दालचीनी ऐसा ही अच्छो जीरो अमचूर दिल्ली मसालो टोटल दिल्ली मसालो यो सही टेस्ट माना जो चाट वारो चाट मसालो जी हाँ सर लौंगी मिर्च धाणा जी सर अच्छो जीरो दालचीनी नर फोटो जी हाँ साई नंढो फोटो जी सर इनमें जो तक मसालो बुधाई छोड़ो ये चाचा लगा जी लगाओ इसमें क्या है मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च है कुटा हुआ धनिया है कुटा हुआ जीरा है और बड़ी इलायची है कुटी हुई ठीक है और साब दालचीनी की एक स्टिक है। अब इसके ऊपर गरम तेल लगाया जाएगा ये पूरा देखिएगा किस तरह इसके ऊपर जो जिस ऑयल में इन्होंने फ्राई किया है
उसी का ऑयल इसके ऊपर गरम गरम डाला जाता है ताकि मसाला बिल्कुल चिपक जाए इसके ऊपर, पक जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत ही मजे की रेसिपी है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा पेज पे, आप लोग देखिएगा ये रेसिपी किस तरह बनी है। ठीक है, ये मच्छी जी रेसिपी जेका ये पेज ते अपलोड करे छंदा से, आई ये प्रोग्राम दिस जो रिपीट में भी हलंदो है, जबरदस्त तांके ट्रेडिशनल अल मंजर जी जेका मच्छी आ किया ठाए पे वो तांके ठाने से कारूंगा, आई इनके ता जरूर ट्राई कर जो पैसिफिक कुकिंग ऑयल में मच्छी ठैया विटामिन ए डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंदो कंट्रोल पंजन जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल, आई हाने मच्छी तैयार थी वे चाचा ने कटन पे प्लेटर में जे तरीके से जी सर्विंग थे दिया। ठीक है, जिस तरह इसकी सर्विंग होती है उसी तरह ये निकाला जा रहा है इसको, और ये पूरा इस तरह प्लेटर में रख के ये जो गेस्ट आते हैं जो जिनकी होती है रेसिपी ये वहाँ पे भेजी जाती है। तांडी सगो तो मच्छी प्लेटर में जी सर्विंग थी जी ऑर्डर इंदो उन तरीके से ही कढ़ी है, एंड मत जो मसालों गरम ऑयल विधो पैसिफिक कुकिंग ऑयल जैमें ही फ्राई थी हुई उन्हीं पैसिफिक कुकिंग ऑयल के गरम गरम इनके मथा विधो पैरी गिदामड़ी जो पेस्ट और मसालो जो चाचा बुधा सजो उनके मथा विझण का ऑयल विधो, ऑयल विझण का कि मच्छी जो मसालो हों वो उनके मथा चिंबड़ी वो फ्लेवर सुठो इन कच्चोपन खत्म थी। ठीक है, मसाला इन्होंने जैसे इमली का पल्प डाला था उसके बाद मसाला डाला था, मसाला डालने के बाद इन्होंने गरम वही तवे से ऑयल लेके इसके ऊपर डाला है फिर ताकि मसाला चिपक जाए, और ये पैसिफिक कुकिंग ऑयल में बनी है, आपको उम्मीद है पसंद आएगी, और इसको फिर सर्विंग जिस तरह की जाती है इस तरह प्लेटर में निकाल के ये सर्व की जाती है उसी तरह प्लेटर में निकाला। नाज़रीन तां डिठो मच्छी तैयार थी ताए सामू जबरदस्त तरीके से तैयार थी, उन जो चटपटो मसालो जो कि तांबड़ी जो पल्प भी लगायो वही सजो हिते प्लेटर में तैयार पे हुआ, इनके मैं चक्की भी दिखारंदम ताके मां भी चखा तो कि किए ठई है। ठीक है, इसको मैं चखता हूं, बहुत ही मजेदार लग रही, बहुत ही एक क्रिस्पी, इसमें कांटे होते हैं लेकिन बहुत एहतियात से खाना चाहिए क्योंकि मीठी मछली होती है तो इसमें कांटा बहुत ज्यादा होता है मीठे पानी की, लेकिन इसका मसाला इतना यमी है, इतना जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त क्योंकि इमली का जो पल्प डाला हुआ है इतना जबरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है, जूसी है, बहुत ही नरम है क्योंकि इमली का जो पल्प इसमें डाला है उससे बहुत नरम हो रही। ठीक है, तमाम जबरदस्त गिदामड़ी जो पेस्ट इनके अंदर विधल है उनका ही जो पहले कड़क थी वही उनका कोई नरम थी वही, लेकिन जैसे खाने में तक अचे भाई तमाम जबरदस्त है, तमाम चटपटी जरूर उनके ट्राई कर जो फेसबुक से मैं इनके अपलोड कर छंदन पैसिफिक कुकिंग में ठाई है जबरदस्त ठही है छाकर त ऑयल आ ही जबरदस्त जो मैं हमेशा का यूज़ करना है तक चाहिए वो उनमें खादा ठहरा है तमाम जबरदस्त। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने पेज पे, आप ये रेसिपी देखिएगा कुकिंग विद शेफ मेरा पेज है, वही रेसिपी अपलोड हो जाएगी, और अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं इतनी चटपटी है कि मैं इसे बोला नहीं जा रहा, इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो देखेंगे कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD आप ये वीडियो देखेंगे वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और ये पूरी रेसिपी डिटेल में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD है मुझे पेज होते यूट्यूब पे सर्च कर जो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वीडियो डिसन चाहिए होता था कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD यूट्यूब पे सर्च कर जो होते वीडियो मिली वेंदी आई ये सारी रेसिपी होते अपलोड थी वेंदी पूरी डिटेल में, पांजो कोर्स सारो ख्याल रखो दुआन में याद रखो आई अल मंजर जो तमाम जबरदस्त व्यू जिते मां तमाम सुठे तरीके से ताके रेसिपी बुधाई मच्छी की पकड़ भी है सजो तरीके का हते अचो एंजॉय करो, बल्कि रेसिपी ता घर में ठायो आई हते भी अच्छी एंजॉय कर सको तो घर में ठायो आई घर में ठाई पर मुझे जो फीडबैक दीजो पांजो कोर्स सारो ख्याल रखो दुआन में याद रखो इंशाल्लाह एड़ा ब्या भी प्रोग्राम कंदा सी काफी सारे सिटीज में इंदा सी ताजे सबनी जे सिटीज में इंदा थे आई अगर हाँ अगर तहजे के सिटी में फेमस का रेसिपी आए मुझे बुधायो मां होते अच्छी ताजे प्रोग्राम कंदस ताजे एरिया में ता मुझे फेसबुक ते या मुझे लाइव प्रोग्राम में जडे मैं स्टूडियो में शो कंदो आया ता मुके ते भी कॉल करे बुधाई सको ता ताजे पांजे सिटी में केड़ी रेसिपी एड़ी मशहूर आए जेको सजे पाकिस्तान में फेमस है मां होते अच्छी ताजे एरिया में प्रोग्राम कंदम ता मुलाकात भी थिंदी पंजो कोर्स सारो ख्याल रखो दुआओं में याद रखो वरी मुलाकात थिंदी तेसई अल्लाह हाफिज़।